कि आप सऊदी से इंडिया पैसा हवाला से कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, भाई साहब मान के चलिए मोहन है, इनको इंडिया में पैसा भेजना है अब्दुल के पास, लेकिन ये बैंक को जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये कहाँ जाएंगे, हवाला वाले एजेंट के पास। तो वो एजेंट होते हैं जिनका कोई लोकेशन मतलब आईडी वगैरह नहीं होती है, वो विश्वास पर ही चलते हैं। तो ये किसको देंगे, अरब में स्थित किसी हवाला वाले को देंगे। और जैसे ये इसको पैसा देंगे कि भैया मेरा 10 करोड़ रुपया है, आप इसको इंडिया में अब्दुल के पास पहुंचा दीजिए, तो ये 10 करोड़ रुपए जो है इसको भेजेगा तो उसका बहुत कम मात्रा में वो इसका फीस लेगा। हवाला वाले सब वो बहुत कम फीस लेते हैं, इसलिए लोग एक तो उस पर कम पैसे लगता है, ट्रांजेक्शन चार्ज कम लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग हवाला में चले जाते हैं। तो वो क्या करेगा, इनसे 10 करोड़ रुपए ले लिया, 10 करोड़ यहाँ पे, और इनको एक पासवर्ड बता देगा, एक कोड बता देगा कि भैया आप ये कोड पासवर्ड आप अब्दुल को बता दीजिए, क्योंकि मेरा आदमी जब इंडिया में जाएगा ना तो अब्दुल को वो पैसा देने से पहले क्या पूछेगा, वो पासवर्ड पूछेगा। समझ में, ये काल्पनिक नाम है, इसके पीछे मत पड़िएगा लोग यहाँ पे। तो ये पासवर्ड किसको पता है, मोहन को। अब ये मोहन ये पासवर्ड किसको बता देगा, अब्दुल को बता देगा। अब उसका आदमी जो यहाँ हवाला बजा रहा है, उसका एक आदमी इंडिया में ही है, और ये अपने आदमी से कहेगा इंडिया से कि देखो ये आदमी रहता है मुंबई में रहता है, इसको तुम 10 करोड़ दे दो। लेकिन ये 10 करोड़ अभी भी अरब में है, इंडिया में आया नहीं है, ये यहीं पे है, लेकिन इन दोनों का बिजनेस है, ये यहीं पे रखेगा और इंडिया में इस अब्दुल को 10 करोड़ भेजवा दिया जाएगा। इसका एजेंट अब्दुल को फोन करेगा, क्योंकि यहां से नंबर ले लिया गया है, वो फोन करके बुलाएगा या खुद उसके घर जाएगा और कहेगा पासवर्ड बताइए, तो जो पासवर्ड मोहन ने इसे बताया वो दे देगा, कोड चीज दे देगा, तो उसे 10 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा। लेकिन जो मोहन ने पैसा भेजा था 10 करोड़, अभी भी वो अरब में ही, वो ट्रांसफर होकर यहाँ नहीं आया है। ये इन दोनों का रिलेशन है, ये बाद में अपना हिसाब करेंगे, इसने अपना फीस वगैरह ले लिया है। तो इसी को हम लोग हुंडी बाजार या हवाला बाजार कहते हैं। पहले सऊदी वगैरह से ऐसे पैसे बहुत ज़्यादा आते हैं।